और किसी के प्रति आकर्षण भी आज भी सामान्य जनमानस में सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, यानी कह सकता हूं कि सबके अपनी जजमानी आज भी जीवित बची हुई है और उसके बीच उन चुनौतियों से जूझते हुए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए मीडिया के जगत से जुड़े हुए आप सुधीजन कार्य कर रहे हैं। ये बदलता हुआ प्रगति के साथ मीडिया के लिए रूपों में हम सब कुछ के दर्शन हो रहे हैं, लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसका उपयोग भी हर स्तर पर हो रहा है। अपने अनुसार हर व्यक्ति उसकी व्याख्या भी करता है, अलग अलग तरीके से उसको उसकी विवेचना भी करता है। और आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के बदलता हुआ प्रदेश में पत्रकारिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर मकर संक्रांति के दिन ही आज यहां पर आयोजित हो रही है। पत्रकार समिति ने 2 वर्ष पहले एक बहुत सार्थक पहल की थी और उस समय गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल की पत्रकारों के साथ मिलकर के आपस में दोनों देशों के बीच केवल राजनीतिक संबंध नहीं हो सकते, राजनीतिक संबंध शासन के स्तर पर होंगे, लेकिन मैन टू मैन व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद, जो रोटी रेटी का संबंध नेपाल और भारत का था, दो शरीर लेकिन एक आत्मा का जो एक भाव था, इस भाव के साथ जुड़ते हुए प्रारंभ किया था। मैंने देखा था कि उस समय गोरखपुर में भी और लखनऊ में नेपाल से जुड़ा हुआ मीडिया का एक ग्रुप निर्वाचित किया गया था। उन्होंने गोरखपुर पत्रकार समिति के इस कार्यक्रम के अत्यंत सराहना की और उसके बाद उन्होंने नेपाल के अंदर जो रिपोर्टिंग की, मैंने उसके बाद देखा कि 2-3 डेलीगेशन मेरे पास नेपाल से आए, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, यूथ से जुड़े थे, टूरिज्म से जुड़े थे, एक अच्छी पहल बनी थी। लेकिन बीच काफी में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के दौरान लेकिन एक नई भूमिका के साथ आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है, अत्यंत सार्थक है, अभिनंदनीय है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं गोरखपुर पत्रकार समिति के को, उन्होंने यहां पर आज इस गोष्ठी को किया है। यद्यपि इसमें आचार्य मिथिलेश मंडल स्मरण जी के और यहां पर आचार्य बद्री नारायण जी के विचारों को विस्तृत रूप से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट वक्ता है और उनकी बातों को उतनी विस्तार से सुनने के लिए उतना ही समय भी चाहिए। लेकिन ये एक पहल है, इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि प्रदृश्य जो है जो बदलाव दिखाई दे रहा है ये वास्तव में आज की आवश्यकता है और आज की आवश्यकता के रूप उठाए गए कदम अपने परिणाम भविष्य की कदम में छोड़ देते हैं और परिवर्तन जारी रखना ये प्रकृति का नियम होता है। अगर परिवर्तन के साथ हम नहीं चलेंगे तो स्थिति हमारी वैसी होती है जैसे जले हुए पानी की होती है, उसमें सड़न आ जाएगी, जड़ता जाएगी और
हमेशा खतरनाक होते हैं, क्योंकि पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ कोई भी काया उसके निश्चित आयु होती है, एक निश्चित समय होता है। अगर हमने निर्णय लेने में समय गवाया तो समय हमें गायब कर दिया। और इसलिए आज के प्रत्यक्ष में हम सब की भूमिका भी उसी प्रकार की प्रासंगिक कार्य जैसे आप देश के अंदर देख रहे हैं। अभी हमने इस देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को समर्पित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। जब देश आजादी के 75 वर्ष के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, आपने देखा होगा पता नहीं 1947 में जब देश आजाद हुआ देश में खुशी थी, लेकिन विभाजन का गम भी था। 1947 में भारत के मान मान शान का प्रतीक धरता हर घर पर लहराया था कि लहराया था हम नहीं कह सकते, लेकिन देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा के माध्यम से हर परिवार को आजादी की शुभकामनाएं प्रदान की। ये बदलाव होता है दृश्य है, ये परिवर्तन आप सबने महसूस किया होगा। कैसे हर घर में तिरंगा लहराया था सुबह सुपूर्ण भाव के साथ, आवश्यकता पड़ी तो देश के कानून में संशोधन किया गया, लेकिन हर व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय प्रतीक को अपने घर के ऊपर लगाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। बड़ी हवेली से लेकर के झोपड़ी पर जब एक जैसा तिरंगा देखता है, लोकतंत्र का एक रूप बोलता है, यही लोकतंत्र है, यही सच्चा लोकतंत्र है, समान रूप से हरेक जगह समान रूप से दिख रहा, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, गांव गली से लेकर के दिल्ली के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के गलियारों में और झोपड़ी से लेकर के राजप्रसादों पर तिरंगा लहरा रहा है, कहीं कह रहा है तो वह एक सर्वश्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हो सकता है। यही बदलाव का दृश्य है। और बदले में भविष्य को किस रूप में इसको अचानक बनाने में अचानक भी रह गए, इसके बनाने के लिए कुछ प्रयास हुए और किस प्रकार के प्रयास हुए हैं, ये हम सब ने इस बात को देखा होगा। देश आजादी के 75 वर्ष पूरा किया, भारत को उपलब्धियां भी उसकी मिलती थी। आज के दिन पर मैं दुनिया में हम क्या देख रहे हैं, दुनिया की ताकत का एहसास दुनिया की अर्थव्यवस्था के माध्यम से, उस देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से लगाया जाता है। आज भारत दुनिया के अंदर सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये भारत की ताकत है, नए भारत की ताकत है। जब 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए, जो रिफॉर्म किए गए, जो प्रयास किए गए, भारत का जो प्रशंसन होता गया, भारत के बारे में आम नागरिकों को और दुनिया के सामने भारत के बारे में जो धारणा थी उसके बारे में जो दुनिया को बताया गया, अब उसका परिणाम क्या है, हर व्यक्ति आज उसको सोचने की मजबूर बात के लिए भारत के बारे में लोगों की सोच रही है, भारत के बारे में लोगों की तनाने लग रही है, भारत को लोग अच्छी दृष्टि देखने लग रहे हैं, भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है आगे देखने दिखाई दे रहा है। और सहयोग से बहुत आगे क्या है, आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन अभी चल रहा है, भारत दुनिया की उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत पहुंचा। और यही नहीं, दुनिया के उन 20 बड़े देशों को जिन्हें G20 के रूप में जाना जाता है, G20 के वे देश जिनमें दुनिया की आबादी का 60% निवास आबादी निवास करती है,
with these देश जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, ये वे 20 देश हैं जिनका दुनिया की 85% जीडीपी पर अधिकार है, ये वही 20 देश हैं जिनका दुनिया के 90% पेटेंट पर अधिकार है। उन 20 देशों का G20 के देशों का नेतृत्व अगले वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है और इस अवसर पर भारत को आयोजित करने का आवश्यकता है। दुनिया आएगा ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए भारत को एक नए मंच के रूप में देखने को मिल रहा है। अवसर में उत्तर प्रदेश के अंदर भी 11 आयोजन उन आयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश भी जुड़ रहा है। नया भारत और इस नए भारत के साथ जुड़ने के लिए लोकतंत्र के रास्तों को जब भारत एक स्वर में बोलता है, 140 करोड़ की आबादी का भारत एक स्वर में बोलता है, दुनिया के अंदर 140 करोड़ की ताकत देखती है। जो लोग हमें को हटना चाहते हैं, जो लोग हमारे बारे में गलत धारणाएं पैदा करते हैं, जो हमें जाति मात मजहब क्षेत्र भाषा और तमाम विवादों में बांटते थे, वे ढेर हो गए। कोरोना महामारी के दौरान उनके सभी आंकड़े ध्वस्त हो गए। वे अपने देश को एक नहीं कर पाए, लेकिन भारत मोदी जी ने कहा ताली पीटो, पूरा देश एक साथ ताली पीट रहा है। 40 करोड़ का भारत एक साथ ताली पीट रहा है। मोदी जी का लॉकडाउन होगा, हर व्यक्ति लॉकडाउन के साथ जुड़ा। मोदी जी ने कहा कि जान है जहान है, तो लोग इस मंत्र को निकाल करते हुए अपने घरों में बनो थे। और मोदी जी ने कहा जान भी है जहान भी है, दोनों एक साथ चलेंगे। लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों को चालू किया। अनुशासन का पालन किया, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, कोविड का प्रबंधन और आम जनमानस का देश के नेतृत्व के प्रति निष्ठा का भाव, उसका एक आदर्श उदाहरण है और यही कारण रहा है कि 140 करोड़ की आबादी का भारत बेहतर परिणाम दुनिया में देने में सफल रहा है। और इसीलिए आज के इस बदलते निरपेक्ष हम सब को भी अपनी भूमिका का साथ देना। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के पास करती है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हमें तो उत्तर प्रदेश की जहां बात करते हैं तो अलग अलग के राज्यों से भी लोग अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और हम सब एक मानवीय संवेदना हम सबके प्रति रखते हैं, रखना भी चाहिए। आखिर हमारे देश का नाम क्या है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन ये सब के बावजूद उत्तर प्रदेश आज बदलते हुए प्रदेश में अपने आप को किस रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पिछले 5.5-6 वर्ष के दौरान आपने उत्तर प्रदेश के अंदर मध्यप्रदेश प्रवेश को देखा, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ है, और उस बदलते हुए प्रदेश में जब हम लोग निर्णय ले रहे थे, बहुत सारे लोगों के जब निर्णय लेते हैं ऐसा नहीं कि कोई निर्णय अचानक एक झटके में ले लेते हैं, या कोई कानून बनता है झटके में नहीं बनता, अलग अलग स्टेज में चर्चा होती है, क्या कोई विचार विमर्श होता है, फिर हम उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखकर के निर्णय लेते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें नहीं डाली जाती, नहीं आ पाती, या हो सकता है लोग संज्ञान नहीं ले पाते। उन स्थितियों में बहुत बार लगता है कि क्या अचानक कोई बात बार होगा, लेकिन जब बहुत बार लोगों को लगता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं लोगों को लगता है कि अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश आज दिशा में आगे बढ़ा, ये भारत के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अगर विकास की दौड़ में
पिछड़ जाएगा। तो भाइयों बहनों, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वन फिफ्थ पॉपुलेशन अगर उस रफ्तार के साथ पीछे छूट जाएगी, तो फिर वो समग्र विकास की अवधारणा जो देश के नेतृत्व की है उसको पूरा होने में समय लगेगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश को उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना होगा, उससे अच्छे अनुकूल वातावरण भी देना पड़ेगा, परिणाम भी देने पड़ेगा। इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार होना होगा। और बिगर साढ़े पांच छह वर्षों के अंदर जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पोटेंशियल रख देंगे और संभावना जिसमें है। प्रकृति की विधि और परमात्मा की विधि के रखने से और इस असीम कृपा के प्रदेश में हम सबको कार्य करने का अवसर मिला है, तो परिणाम भी अपने आप ही है। हमें प्रयास करना है और प्रयास के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ जब कदम उठते हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, टीम वर्क परिणाम देती है और टीम वर्क का परिणाम देती है, तो रिजल्ट भी हमारे सामने आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड काल में पहले परिणाम देखे होंगे, लोगों को आशंका है उत्तर प्रदेश का क्या होगा, और अभी कोविड की आशंका थी इसी दौरान बहुत सारे राज्यों से प्लान शुरू हो गया। मुझसे पूछा गया इतने लोग आएंगे क्या करेंगे, मैंने कहा निश्चित कर रहे उत्तर प्रदेश सब संभालेगा। मुझसे पूछा गया कैसे संभालेंगे, एक तो कोरोना लव है और दूसरा प्रवासी कामगार आएंगे, मैंने कहा कितने आपको बता नहीं सरकार एक करोड़ तक पहुंच सकती है, तो मैंने कहा एक करोड़ को मैंने कहा एक करोड़ कर सकता है। लोगों ने कहा कहां रखेंगे, मैंने कहा आपको यूपी की ताकत का पता ही नहीं, हमारे पास 96,000 एमएसएमई यूनिट है, अगर एक एक यूनिट में एक या दो लोग समाज में तो एक करोड़ लोग उसी में आ जाएंगे। वैसे ही आ जाएंगे दुनिया के सबसे अच्छी युवा भूमि हमारे पास है, जितना अन्न हम तो वर्तमान में पैदा कर रहे हैं यह तीन इससे तीन गुना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता रखती है। जल संसाधन दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, ये सब हमारे पास है, इसलिए यहां से यूपी से निश्चित कर यूपी में हम आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों ने अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वहां विदेशी कार्य कर दिया, हमने कहा उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगा उत्तर प्रदेश में जो आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, और हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन सबको यहाँ पे रहने की व्यवस्था की, उनकी खाने की व्यवस्था की, उनके उपचार की व्यवस्था की, और फिर जब राज्यों ने अपने यहाँ के द्वारा उन्हें वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की और सम्मान एक मानवीय पक्ष था और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी था। संकट के समय कोरोना की लड़ाई किसी भी व्यक्ति की नहीं, किसी भी सरकार की नहीं, देश की लड़ाई है। इस देश की लड़ाई में हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम में लड़ाई ये प्रेरणा आते हैं। गोरखपुर में इस लड़ाई की किसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई की किसी लड़ाई को आपने देखा होगा, इनसे प्रैक्टिस जुलाई से नवंबर तक का होना, यहां पे बहुत सारे क्षेत्रों में है और औसत के लिए जाना जाता है, पता नहीं क्यों ये बीमारी किस बच्चे को अपनी चपेट में ले ली और किसको निकल गया, एक भय एक आतंक एक दहशत। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई है इससे पहले से उत्तर प्रदेश में, और उसका मुख्य केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपद।
जो कि एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, इसलिए बहुत ही ज्यादा गोरखपुर में सभी चीजें लोग आते थे, गोरखपुर में ही यही मौतें होती थी। अच्छा प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन, समन्वय, टीम वर्क कैसे चढ़ा देता है, 95 की आज इंसेफ्लाइटिस की मौत को हम नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। और अगले कुछ वर्षों के अलावा इंसेफ्लाइटिस हमें सारे देश को हम समाज पूरी तरह हम उसको नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर विचार होता है उससे कि भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया और 1905 से भारत में उस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। 2005 में यहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन बना, 100 वर्ष। लेकिन कोरोना काल में बीमारी नहीं थी, नई बीमारी थी भारत में मात्र 9 महीने के अंदर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन दुनिया के अंदर सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव भारत में अंदर चला। हरेक व्यक्ति को दो दो डोज तो लगी ही, लेकिन साथ साथ प्रिकॉशन डोज भी फ्री में लगभग 30% से अधिक लोगों को लग चुकी है। अभियान चल रहा है बड़े पैमाने में इसका कार्यक्रम पकड़ रहा है और इसीलिए आज की सोचत उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष में जब हम बात कर रहे हैं, हमें इन बातों को सोचना होगा कि हमारी भूमिका केवल आलोचना तक ही या आलोचना तक ही सीमित रहेगी या उस सकारात्मक भूमिका को लेकर के जिसे बड़ी पत्रकार समिति ने अपनी पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करने के साथ साथ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को उसके साथ जोड़ने का इंटरेक्शन का नया तरीका बनाया है। नेपाल की मीडिया के साथ बैठ करके गोरखपुर के आज मैंने कहा मंच पर उन उद्यमियों को या समाज जीवन से जुड़े हुए उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया है या किया है उनको भी आज उस मंच पर सम्मानित किया है। एक सकारात्मक दृष्टि है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपोर्टिंग करने के साथ साथ उनके प्रोत्साहन के लिए अपने मंच का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि हमारा मंच उनको प्रोत्साहित करेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मेरी जहां पहली जिम्मेदारी अपनी मीडिया के प्रति है, वही साथ साथ मैं समाज के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। सामाजिक प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग मंचों के माध्यम से भी इनके द्वारा उस प्रयास को आगे बढ़ाया गया। एक सार्थक पहल और उत्तर प्रदेश आज उसी सार्थक पहल के साथ आगे बढ़ा है। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ शौचालय बनने थे, 4 वर्ष में स्वच्छ को पूरा करना था,